इसे रिवाड़ी वासियों पर ईश्वर की असीम कृपा कहें या फिर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों का नतीजा कि जिस रेवाड़ी के अस्पतालों में आज से 15 दिन पहले कोरोना मरीजों के लिए ना बेड थे ना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जिसकी कमी के चलते लगभग 300 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आज रेवाड़ी का नागरिक अस्पताल हो या यहां के निजी अस्पताल, अधिकांश खाली ही हैं और अधिकांश मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि पिछले 4 दिनों में पूरे जिले में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज की जान नहीं गई। ये कहना है कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का और नागरिक अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सर्वजीत थापर का। तो वहीं दूसरी ओर कुछ लापरवाह लोग इस राहत को कोरोना का अंत मानकर बाजारों में बेवजह दोबारा से इस वैश्विक महामारी को निमंत्रण देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर प्रशासन द्वारा लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। इस संदर्भ में पीएमओ डॉक्टर सर्वजीत थापर ने कहा, आज से 15 दिन पहले नागरिक अस्पताल या किसी भी निजी अस्पताल में ना बेड था और ना ही ऑक्सीजन, और 70 बेड वाले नागरिक अस्पताल में सिर्फ 24 मरीज ही रह गए हैं जो रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आज से 15 दिन पहले जिले में प्रतिदिन 300 संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, जो अब घटकर लगभग 100 के करीब रह गए हैं। पिछले 4 दिनों की बात करें तो कोई मानवीय क्षति भी नहीं हुई। इनकी लोगों से अपील है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ, पहले की तरह सामाजिक दूरी व मास्क का प्रयोग अनिवार्य है। वहीं दूसरी ओर कोसली से भाजपा विधायक, जो इन दिनों अपने रेवाड़ी निवास के सामने छोटी सी झोपड़ी में बैठकर लोगों की समस्याओं का जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर निवारण कर रहे हैं, उन्होंने रेवाड़ी में घटते संक्रमित मरीजों पर खुशी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह व पूरी स्वास्थ्य विभाग टीम का धन्यवाद किया, जिनके प्रयासों से यह संभव हो पाया। उन्होंने कहा कि काफी राहत की बात है कि इनके हल्के कोसली में 22 हॉटस्पॉट गांव थे, जो अब घटकर सिर्फ एक ही रह गया है और पिछले 5 दिनों में कोई मौत भी नहीं हुई है। सर, क्या कहेंगे कि अब रेवाड़ी जो हाहाकार मचा था, रेवाड़ी में लगातार मौतें बढ़ रही थी, लोगों के लिए बेड नहीं थे हॉस्पिटल के अंदर, ऑक्सीजन की दिक्कत थी, अब क्या स्थिति है, आज की स्थिति की बात करें? देखिए, परमात्मा का शुक्रिया है कि पिछले 4 दिन से कोई व्यक्तिगत क्षति नहीं हुई है, किसी की मौत नहीं हुई है। इसका श्रेय मैं जिला प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राव इंद्रजीत जी को और हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को और हमारी जिले की पूरी टीम को इसका श्रेय देना चाहता हूं। और विशेषकर जिला उपायुक्त ने जो बागडोर संभाली है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो आज से 15 दिन पहले की जो स्थिति थी भयानक थी, बड़ी डरावनी थी, लेकिन आज स्थिति हमारे कंट्रोल में। जिस मौतों का अभी आंकड़ा बढ़ रहा था, अब उस पर भी कुछ कंट्रोल हुआ है? निश्चित तौर पे उस पर कंट्रोल हुआ है। पिछले 4 दिन से मैं कहता रहा हूँ, कोई मानवीय क्षति नहीं हुई, कोई इस तरह की कोई मौत नहीं हुई और ये हमारे लिए शुभ संकेत है। देखिए, लगभग 2 दर्जन से अधिक यहाँ पर कंटेनमेंट जोन भी बनाए गए थे, अब उनकी बात करते हैं कि अब कंटेनमेंट जोन को हटाएंगे ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, हमारे मेरे हलके के 22 हॉटस्पॉट गांव थे, टोटल जिले में 35 गांव थे, जिसमें ज़्यादातर अब वो हट चुके हैं। मेरे हलके में तो एक नेहरूगढ़ गाँव बचा है, बाकी 22 में से 21 गाँव हॉटस्पॉट उससे हटा दिए, क्योंकि अब हमारे परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में आ चुकी हैं। और ऐसे ही पूरे ज़िले में भी आपने देखा, अब 4-5 बचे हैं, टोटल सबको ही हटा दिया है। और अब हॉस्पिटलों में भी मैं ये समझता हूँ कि अब बेड खाली है, वरना तो पिछले 15 दिन पहले तो बेड किसी कीमत पर मिल ही नहीं रहा था, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इसीलिए तो मैं सबका धन्यवाद कर रहा हूँ, जो लोग इसे पेंडेमिक में अपना पूरा ध्यान इस पे लगा के काम कर रहे थे, उनको बधाई ज़रूर देना चाहूँगा। लेकिन विधायक साहब, अभी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई, ऐसे में कुछ लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, अभी भीड़ भाड़ बाजारों में इकट्ठे हो रहे हैं,
ऐसे लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? ऐसे लोगों के लिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अभी कोरोना गया नहीं है। दूसरा कहा जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए कोविड के नियमों का हमने अभी भी पालन ठीक उसी तरह से करना पड़ेगा जो पीछे हम करते रहे हैं, अगर इस महामारी से बचना है तो। इसलिए मैं जनता जनार्दन से यही अपील करूंगा कि अभी इसका पूरी तरह से सफाया कोरोना का हो नहीं पाया है, इसलिए संभल कर चलें, अगर जान है तो जहान है। जी, ये बहुत अच्छा ट्रेंड हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के अथक परिश्रम से और जिला प्रशासन की मदद से। जो हमने इस कोरोना पर विजय पाई है, ये काफ़ी अच्छा परिणाम निकल के आ रहे हैं। अभी केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। जो परसों की रिपोर्ट देखूँ दो दिन पहले की, तो 169 केसेस थे, कल 93 थे, तो ऐसा ये कम हो रहा है। ऐसे ये मानो कि हमारे यहाँ पहले जो कुछ दिन पहले को 10-15 दिन पहले हमारे यहाँ खूब सारे केसेस थे, मतलब पूरा रेवाड़ी का वार्ड हमारा भरा हुआ था, 70 केसेस थे टोटल भरे हुए थे, कैजुअल्टी में केसेस थे, हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा भरे हुए थे। अभी वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं। अब इस समय मेरे पास 24 केसेस टोटल ऊपर एडमिटेड हैं, जबकि मेरे पास अब 78 बेड हैं, 78 बेड्स हैं और सिर्फ 24 केसेस हैं, तो काफ़ी हद तक कम हो गया है। कोरोना जो भी केस आता है उसको देखा जाता है। ऑक्सीजन के लिए जहाँ तक बात करूँ, ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा अच्छा उपलब्ध है। पहले भी वैसे प्रशासन की मदद से हमने काफ़ी अच्छा वो रखा, पेशेंट्स के लिए काफ़ी ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई प्रशासन ने और अच्छी तरह से पेशेंट को देखा, तो उसकी वजह से ही अब ये कोरोना काफ़ी हद तक कम हो गया। अब अगर कैजुअल्टी की बात करें तो सर, जो पहले आपातकालीन में थे हमारे पास कैजुअल्टी के अंदर जो भी केसेज आते थे, जैसे हमारा वार्ड फुल हो गया था तो हमने प्रशासन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा करके और ऑक्सीजन लगा के कैजुअल्टी में बेड अलग एक्स्ट्रा करके 30 बेड तक एक्स्ट्रा लगाने पड़े एक दिन मुझे, कि केसेज ज़्यादा आ गए थे, जो भी आ जाए हम उसको देखते थे, एडमिट करते थे, किसी मरीज को देखना है ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट में भी कहीं बेड नहीं था तो मरीज जाए कहाँ, तो हमने उसको ठीक किया, सब कुछ ठीक था। अभी कैजुअल्टी में ठीक है, नॉर्म है, यदि कोई कैजुअल्टी में पेशेंट आता भी है उसको हम वार्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। मौतों के आंकड़े में कितनी कमी आई? अभी काफ़ी हद तक कम हो गई है, पिछले 2-3-4 दिन से तो एक भी केस अभी रेवाड़ी ज़िले में दर्ज का नहीं आया है और काफ़ी हद तक कम हो गया। कभी तो एक बार में तो हमने 10-10, 12-12 केस भी एक दिन के अंदर मृत्यु के देखे हैं, पर अभी ये भी आंकड़ा कम आया है, क्योंकि केसेस कम आ गए हैं तो मृत्यु दर में भी काफ़ी कमी आई है। हमने अभी एक महीना पहले लगभग देखा कि लोगों को गिड़गिड़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए कि हमें बेड दे दें, हमें यहाँ एडमिट कर लें, हमारे पेशेंट को देख लें, क्या अब वो परिस्थितियाँ तो नहीं है? जी, ये जो परिस्थिति बहुत भयंकर थी उस समय जब बात हुई थी आज 10-15 दिन पहले, कि कहीं भी बेड नहीं था। मेरा एक क्लास 4 अपनी लड़की को लेके, वो प्रेग्नेंट थी 6-7 महीने की, उसको लेके दादरी से आ गया। उसने बंदे मेरे को कहा, कहता डॉक्टर साहब ना तो दादरी में बैठे कहीं, ना झज्जर में बैठा, मुझे किसी तरह से एक ऑक्सीजन बेड दिला दो, मेरी लड़की को कोरोना पॉजिटिव है, उसको ऑक्सीजन बेड चाहिए। पूरे ही ज़िले में कहीं बेड नहीं मिल रहा, पचरा घूमा है। तो उसने मुझे कहा तो कोई बात नहीं, हमने कैजुअल्टी में जैसे अरेंजमेंट किया हुआ था उसको दिया गया और वो स्वस्थ होकर गई, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया साफ था। तो पहले जो स्थिति थी ये बहुत भयंकर थी, अभी कुछ नहीं है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, अभी स्थिति कंट्रोल में। यानी अब रेवाड़ी के लोग राहत की सांस ले सकते? अभी रेवाड़ी के लोग राहत में तो है, पर यह है कि आप अभी अपने आप को संयम में रखें, ज़्यादा भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं और मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सरकार की जो दी हुई हिदायत उनका पालन करें, ताकि ये दोबारा ऐसी स्थिति ना आए।